जो लोअर पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी लोअर पीसीएस एग्ज़ाम है आपका, दे रही हैं आप दोनों? और अच्छा, तो लोअर पीसीएस का आपका एग्ज़ाम है, ये आपका इसी महीने में है, सितंबर में, एक महीना मान के चलो बचा है इसका। और पता नहीं क्या बात है कि ये आयोग चेंज हुआ, जो भी है ट्रिपल एससी को दे दिया गया, पहले पीसीएस लिया करता था आपका, यूपी पीसीएस एग्ज़ाम लेता था इसे। सुभकांत जी आप भी तो दे रहे हैं, फॉर्म तो भरा था आपने? फॉर्म फाड़ दिया, वो उनके पास है। तो यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा अब ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है, पहले लिया जाता था यूपी पीसीएस, 2015 हुआ था। हो सकता है जो भी हो, अब वो मुद्दा उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन इसको लेकर के कुछ चर्चा मैं अभी करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। 2015 में लोअर पीसीएस एग्ज़ाम यूपी पीसीएस ने लिया था, अब इस एग्ज़ाम को यूपी ट्रिपल एससी ले रहा है, ये संस्था ले रही है, थोड़ी सी संस्था बड़ी हो गई। ये संस्था के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, पोस्ट इसकी अच्छी हैं, तो लोग आमतौर पर इस एग्ज़ाम को पसंद करते रहे हैं, सब लोग पसंद करते रहे हैं, अभी भी ये पसंदीदा एग्ज़ाम ही है। तो अभी इसका सिलेबस आया है, नया सिलेबस आया है। अब सिलेबस को लेकर के देखा जाए तो वही सिलेबस है जो पीसीएस का हुआ करता था, यानी कि मोटा मोटी वही चीज़ें हैं। एक जनरल साइंस का आपका अलग से टॉपिक उन्होंने बना दिया है, जनरल साइंस इंपॉर्टेंट यूपी पीसीएस में है, ये दिमाग में बैठा लो। यूपी का कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ पर साइंस के क्वेश्चन आएंगे, और साइंस के लगभग लगभग आपके क्वेश्चन जो आएंगे वो मान के चलिए 25 क्वेश्चन तक के लिए तैयार रहिएगा, पीसीएस में भी और आपका अदर जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, 25 से ज़्यादा, ठीक है। तो साइंस में 50 क्वेश्चन के आसपास इन्होंने कहा है। जीएस का टॉपिक जो आपका, उसमें वो सारे टॉपिक आते ही हैं जो हम पढ़ते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये सब नॉर्मली। करंट अफेयर्स एक बड़ा सेक्शन बनता ही है हमेशा हमेशा। तो आज मैं एक बुक भी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये बुक आप लोग जो है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, वो एक बुक मैं लेकर आया हूँ, बस इससे काम लगभग लगभग हो जाएगा काफ़ी हद तक। तैयारी वैसे एक महीने में कोई होती नहीं है, लेकिन एक महीने में तैयारी ये हो सकता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सकता है यदि आप अच्छे से इसे कर लें। तो एक ही बुक बता रहा हूँ मैं आप लोगों को जिससे काम हो सकता है लगभग लगभग, जीके का काम, जीएस का काम आपका हो जाएगा, बाकी मैथ रीजनिंग वाले दो टॉपिक जो है वो नहीं होंगे, एक मैथ्स का है और दूसरा रीजनिंग का टॉपिक है, ये दो टॉपिक के लिए अलग बुक हैं। मैथ रीजनिंग ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्शन हमेशा होते हैं, पहले समीक्षा अधिकारी आपका एक एग्ज़ाम होता है, समीक्षा अधिकारी में भी ये अभी जब आप लोग देंगे देना है, आर ओ का एग्ज़ाम जरूर देना है जब भी आए, लेकिन अभी तो पिछले साल का ही अव्यवस्थित है, अब देखो क्या होता है इसका। अब इस साल है नहीं, प्लानर में भी नहीं है उनके, अगले साल कराएं समीक्षा अधिकारी तो अच्छी बात है, पोस्ट अच्छी होती है ये। तो मैथ रीजनिंग का रोल है यूपीएससी में भी और यूपी पीसीएस में भी, क्वालिफाइंग नेचर के रूप में है। यूपी पीसीएस में अभी तक होता था कि मेंस में 50 नंबर की मैथ आती थी, ठीक है, मेंस में एक पेपर होता था, जीएस पेपर, दो पेपर होते थे पहले मेंस में, अब तो चेंज हो गया पूरा पैटर्न, GS1 GS2 करके दो पेपर, GS2 में देते थे वो, तो मैथ वहाँ पर थी, लेकिन यहाँ पर है जो मैथ, तो बहुत रीजनिंग इजली एक है कि जितने भी क्वेश्चन हैं आप चाहें तो पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं, ये एक प्रॉफिट होता है इसका, इसलिए मैथ रीजनिंग तो आप तैयार कर लीजिएगा, इतनी कैलकुलेशन वगैरह आप लोग पढ़ते ही हैं, बाकी मैं इसके लिए भी बुक बता दूंगा। अभी शुरुआती दौरान अभी लगभग लगभग मेरे हिसाब से 25 दिन बचे हुए हैं लोअर पीसीएस एग्ज़ाम के, 25 डेज, 25 दिनों में 15 दिन फोकस करना है आपको, 15 डेज जीएस इसके लिए, जो आपका जीएस वाला सेक्शन है जिसमें आपका इतिहास, भूगोल, साइंस, एक बुक बता रहा हूँ इससे कर लो काम हो जाएगा, और दूसरा सेक्शन है आपका करंट अफेयर्स भी इसी के अंदर ही रखिएगा, दूसरा सेक्शन आपका मैथ रीजनिंग वाला है, इसको 10 दिन देना है कम से कम, ठीक है। तो यदि आप 25 दिन में इतना टाइम दे दें और अच्छे से दे दें तो काम हो जाएगा। बुक एक ही आती है, ये बौद्धिक प्रकाशन की है, परीक्षा वाड़ी सब जानते हैं, इलाहाबाद से निकलता है, इसका एक कंपाइल सेक्शन आता है, ये आप लोग यूपी पीसीएस वाले भी करेंगे, इसको बाद में बताऊँगा मैं जब टारगेट प्रोग्राम में इसे दूँगा। इसमें आपका पूरा का पूरा 25-30 साल के क्वेश्चन जो हैं डाले गए हैं, और इसमें काफ़ी अच्छा करंट अफेयर्स है। तो ये बुक है, ये मैंने पढ़ी है एक टाइम पे, तो रखी हुई थी, तो मैंने कहा इसे आपको दिखा देता हूँ, ये बुक है, अब ये काफ़ी बुरी हालत हो गई इसकी, तो ठीक है। तो ये बुक है, आप लोगों को करनी है, सामान्य अध्ययन की है, परीक्षा वाणी की, ठीक है, पूरी कर डालिए, यदि यदि हो जाए तो काम हो जाएगा, सामान्य अध्ययन पूरा जीएस है,
और जब आप पीटी दोगे, आप लोग यूपीपीसीएस वालों का प्रीलिम्स आएगा, तो 10 दिन पहले मैं यही बुक बताता हूँ। इसमें सब कुछ है, जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड हैं, मतलब कि ये है प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो हम तैयारी करते हैं ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि 1 महीना पहले मेंस के लिए तैयार हो जाओ, फिर 30 दिन जो बचे वो पीटी के लिए देना चाहिए। तो पीटी के लिए इस तरीके की सामग्रियों में दिया जाता है, तो ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी के लिए ये चीज़ें। प्रारंभिक परीक्षा विशेषांक को निकालते हैं ऐसे करके। एक और आता है यूनिक का आता है, वो यूपीपीसीएस के लिए है, लेकिन SSSC वाले इससे काम कर सकते हैं पूरा, ठीक है। मार्केट में मिल जाएगा आपको, इसको ले लेना है और इससे तैयारी करना है। इससे आपका हो जाएगा GS GK का काम जितना आएगा। करंट अफेयर्स के लिए परीक्षा मंथन की लक्ष्य आ चुकी है, लक्ष्य सीरीज, तो वो उससे काम हो जाएगा। परीक्षा मंथन की लक्ष्य का तीसरा पार्ट आ चुका है, ठीक है। तो लक्ष्य पार्ट ये 3 आपका परीक्षा मंथन का 2 बुकें हैं बस, इन 2 से आपका काम हो जाएगा जितना भी GS GK का होगा। मैथ रीजनिंग का अलग है, उसके लिए मैं अलग एक दिन बहुत बता दूंगा। तो ये जो जो दे रहे हों, बता नहीं रहे हों, फिर भी एग्जाम हॉल में पता चला वहाँ मिल गए, तो वो लोग जो है कृपया करके इतना पढ़ लें तो उनका काम हो जाए 30 दिनों में, ठीक है। अब क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, ये गुणवत्ता युक्त सामग्री है जो मेरी जानकारी में है, आप पढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक। तो ये मुझे बताना था। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं जो हमें पढ़ना है।